लद्दाख से शनिवार की देर शाम एक बड़ी दुर्घटना घटी। बता दें कि लद्दाख के क्यारी शहर से 7 किलोमीटर दूर सेना का एक वाहन खाई में जा गिरा। उस दुर्घटना में भारतीय सेना के 9 जवानों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा घटना में कई अन्य जवानों के घायल होने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी देते हुए लद्दाख के रक्षा अधिकारी ने बताया कि सैनिक कारू गैरिसन से लेह के पास क्यारी की ओर बढ़ रहे थे, तभी यह घटना घटी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में कई सैनिकों को चोटें आई हैं, हालांकि घायलों की गिनती अभी नहीं की जा सकी है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर सेना मौजूद है और मामले की आगे जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं इस हादसे पर शोक जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख में लेह के पास एक दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुखी हूं। हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायल कर्मियों को फील्ड अस्पताल ले जाया गया और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।